दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते लोगों का को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस खतरनाक वायु प्रदूषण से बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, इसी को लेकर हमारी सहयोगी फरहा ने आयुर्वेद आचार्य दिलीप राजौरिया से खास बातचीत की है। दिल्ली की हवा और वातावरण काफी खतरनाक स्तर पे जा चुका है, जिसकी वजह से लोगों को काफी समस्याएं हो रही हैं। तो समझने के लिए कि लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसे बचने के लिए, हमारे साथ आयुर्वेद आचार्य दिलीप राजौरिया हैं, जिनसे हम आज जानेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल होगा कि लोगों को ये किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, कितना खतरनाक है लोगों के लिए। आज जो स्थिति बन रही है प्रदूषण को लेके, इससे ये हमारे सबसे पहले जो हमारे शरीर की जो रोगों से लड़ने की क्षमता है उसको ख़त्म करता है, और दूसरा हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं उन पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। और जैसे कि हमारे फेफड़े हैं, तो सबसे ज़्यादा जब हम इस प्रदूषित वायु को अंदर लेते हैं तो ये फेफड़ों में कई तरीके के विकार, और ये लॉन्ग टर्म में जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा। तो इन सबसे बचाव के लिए हमें कुछ मतलब जो प्राकृतिक तरीके से और आयुर्वेदिक तरीके से हम जो कर सकते हैं, तो सबसे पहला फोकस हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, इम्यूनिटी पावर जिसको है, उसको बढ़ाने के काम करना चाहिए। तो उसके लिए हमें खान पान में क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या हम चीज़ों को रख सकते हैं, तो उसके उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। तो जो अगर हमें जैसे अगर इन सब चीज़ों से काउंटर करना है, तो अधिकतर चीज़ें जो हैं वो हमारे किचन में उपलब्ध हैं, तो कुछ ऐसे घरेलू चीज़ों को हम यूज़ करें और उनसे हम इस तरीके की जो परिस्थितियां बन रही हैं और शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत पैदा करें। तो सर्वप्रथम हमें जो मसाले हैं हमारे जो घरेलू मसाले हैं, इनमें से जैसे हल्दी है या तुलसी है या काली मिर्च है, इस तरीके की चीज़ें हम कई चीज़ें यूज़ करके और अपना जो तकलीफ़ है उसको दूर कर सकते हैं। क्योंकि इस सबसे ज़्यादा ये प्रदूषण हमें खांसी जुखाम और सर्दी जो लोगों में देखने को मिल रहा है उस पर ज़्यादा हमें व्याप्त है लोगों में। तो हम सबसे ज़्यादा जैसे हल्दी है, हम आज हल्दी का एक अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं, जैसे हम उसको दूध में डाल के, और ये एक बहुत ही अच्छा कीटाणुनाशक है। तो हमारे शरीर में जो भी बैक्टीरिया और इस तरीके के लोग चीज़ों का प्रकोप हो रहा है, हल्दी के द्वारा हम उसको काउंटर कर सकते हैं, उससे उसका ख़त्म कर सकते हैं उसके प्रभाव को। तो हल्दी को हम दूध में या गर्म दूध में डाल के एक चम्मच हल्दी से उसको यूज़ करें। हमें अधिकतर जो गला पकड़ रहा है, गला रुंध रहा है एक तरीके से, तो उस रुंधे हुए गले को दूर कर इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए तुलसी का एक बहुत अच्छा प्रयोग हो सकता है। तुलसी के अर्क को हम जो यूज़ करें और उसके द्वारा अपनी जो भी गले की उसमें है, हम तुलसी को कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम तुलसी से गरारे, जो एक गर्म पानी में तुलसी का अर्क डाल के हम उससे गरारे करके और गले को थोड़ा सा रिलीव कर सकते हैं, क्योंकि गले में जो कंजेशन हो रहा है उससे गर्माहट मिलेगी, साथ ही साथ तुलसी का जो प्रभाव है वो उसको और ज़्यादा एंटी बैक्टीरियल और बैक्टीरियो को किल करने का, और वहाँ पर एक अच्छा जगह इस प्रभाव को नष्ट करेगा, इसके प्रभाव को। यहाँ तक तो आपने हमें नेचुरल रेमेडी के बारे में बताया, लेकिन जब हम घर से निकले तो किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि जो वातावरण में धुंध छाई हुई है या जो भी डस्ट पार्टिकल हैं, इनसे हमें प्रिवेंट करने के लिए हमें अपनी जो भी, क्योंकि वैसे तो प्रकृति ने हमें सब व्यवस्थाएं दी हैं, हमारे जो नसिकाएं हैं उनमें रोम छिद्र हैं, रोम छिद्रों में पहले से ही सब व्यवस्था हैं, और म्यूकस वगैरह का जो होता है तो उनसे पूरा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। लेकिन ये मैकेनिज्म बाद में जाके जब अधिक मात्रा में इस अतिक्रमण होने लगेगा, तो इनसे बचाव के लिए हमें थोड़ा सा मास्क वगैरह और ये सब चीज़ें लगा के रखनी चाहिए। वी कैन यूज़ सम दिस क्रीम्स ऑल्सो एंड तो बेसिकली ये गंदी हवा हमारे शरीर में इनहेल ना करने पाए। गंदी हवा इस गंदी हवा का जितना समावेश होगा लंग्स में उतना ही ज़्यादा ये उल्टा प्रभाव करेंगे। तो इनको कैसे बचाव किया जा सके, तो हम मास्क वगैरह और ये सब चीज़ के इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
अगर जैसे योगा एक ऐसी रेमेडी है कि बहुत सारी चीज़ों से योगा हमें निजात दिला देती है, तो ऐसी कौन सी एक्सरसाइज, ऐसी कौन सी योगा हमें जो करनी चाहिए जिससे हमें इन सारी चीज़ों से निजात मिले? जब ये वायु अधिक मात्रा में हमारे फेफड़ों में चली जाती है तो वायु ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है, प्राणायाम और जिनको कहते हैं, उनके प्रयोग से हम काफ़ी हद तक इस चीज़ को काउंटर कर सकते हैं। हमने जाना कि किस तरह की हमें योगा करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, किससे बचना चाहिए। ये थे हमारे साथ आयुर्वेद आचार्य दिलीप राजौरिया जी, जिन्होंने हमें सारी चीज़ें बताई कि कैसे हम खुद का बचाव कर सकते हैं। कैमरा पर्सन राहुल देव के साथ मैं फराह खान, R9 TV।